जब हम मार्कर की ड्राइंग करते हैं ना, तो ड्राइंग करने के बाद बोल्ड अगर नहीं करते तो तस्वीर में बहुत फर्क आ जाती है फ्रेंड। देखिए इस तस्वीर में जो है मार्कर से किया था पहले, पिछले वाले पहिए में आप देखिए मार्कर का लाइन है, बहुत पतली सी लाइन है। देखिए ये लाइन को बोल्ड नहीं किया है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड। तो जब हम इसको बोल्ड करते हैं ना पूरे की पूरे, तब अच्छे लगेगी। और मैं फिर ये पीछे वाले पहिया को बोल्ड करके आपको फिर दिखाता हूँ। अब उसके बाद आप देखना आपको कैसे लगता है ये ड्राइंग, कमेंट करना फ्रेंड। फ्रेंड ये तस्वीर अब कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और पिछला वाला जो पहिया था उसको भी हमने बोल्ड कर दिया फ्रेंड। देखिए स्टंट मोड में फ्रेंड ये बाइक जो है हवा में उड़ रहा है, आगे का जो पहिया है उसको स्टंट करके उठा दिया है। ऊपर सीन देखिए, बादल वगैरह हैं, चिड़िया उड़ रहे हैं, हिमालय पर्वत है। आपको इस तरफ से दिखाता हूँ फ्रेंड, वो पिछले हिस्सा से मैंने दिखाया था, अब आगे की ओर से दिखाऊंगा। देखिए ऐसा ही तस्वीर, और ऊपर हेलमेट देखिए। जो बाइक वाले भाई साहब ने हेलमेट पहन रखी है फ्रेंड, उनका लेफ्ट हैंड एक हैंडल के ऊपर है, एक हैंड जो है पीछे की ओर है। और तस्वीर बहुत धाकड़ बन गई है फ्रेंड। इसके बाद फिर मैं कलर करने जा रहा हूँ, और कलर करने के बाद कैसी लगती है आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड्स तस्वीर अब फाइनल अंतिम अंतिम की कगार पर आ चुकी है। इसमें मैंने क्या किया, जो ड्राइंग था उसके ऊपर फिर ब्लैक मार दिया फ्रेंड। फिर ब्लैक के ऊपर भी एक 3D कलर हमें देनी पड़ती है, जिसे असेंबल कलर बोली जाती है, लियोनार्डो डाविंची फॉन्ट भी बोली जाती है इसे। और ये मिड कलर जो होती है फ्रेंड, ये दो कलर को मैच कराती है, क्योंकि दोनों कलर कंट्रास्ट हो जाते हैं ना तस्वीर में, कोई सुंदरता नहीं बचती है। तस्वीर में जो सुंदरता और उभार लाने के लिए हमें वो मिड कलर देने की ज़रूरत होती है फ्रेंड, जो हमने की है। और आपको मैं बारीकी से एक एक करके दिखाता हूँ फ्रेंड, देखिए कैसे बनाई जाती है। देखिए ये मिड कलर क्या होती है, दिखाता हूँ आपको। ये जो काला और सफ़ेद के बीच में कंट्रास्ट कलर हमें देनी होती है, जिससे कि 3D इफेक्ट पैदा होती है। ऐसे आर्ट जो फिल्म बैनर बनाने वाले लोग जो है वो यूज़ करते हैं फ्रेंड। अब मैं भी बैनर आर्टिस्ट होने के कारण इस सब में मैं बहुत माहिर हूँ, पुख्त हूँ। मैंने किया था बैनर का काम, और हमने ज़्यादा समय नहीं लगाया फ्रेंड, बहुत जल्दबाजी में ये तस्वीर बनाया, फिर भी धाकड़ लुक बन गया फ्रेंड इसका, देखिए। और ये फाइनल हो चुकी है फ्रेंड, इसमें स्टंट मोड में है, क्रॉस फायर बाइक है, एक भाई साहब जो है चला रहे हैं। उनका जूता देखिए, जूता भी बहुत धाकड़ है, किसी डॉक्टर मार्टिन से कम नहीं है जूता। देखिए ऊपर हेलमेट और हिमालय का सीन है, चिड़िया सब उड़ रहे हैं आसमान में। और रास्ता बहुत पथरीला रास्ता है, एक कीचड़ भी है एक रास्ता में देखिए, और कीचड़ फैलने के कारण टायर से जो है कीचड़ बाहर आ गई है फ्रेंड। कीचड़ को भी हमने बारीकी से दिखाया फ्रेंड। और इतना कहते हुए फ्रेंड आपको ये कैसा लगा, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। और आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये वॉल आर्ट है फ्रेंड, ये बहुत बड़ी तस्वीर है, ये लगभग 12 फीट के ऊंचाई में हमने किया है। और मेरे चैनल खिलाड़ी किंग को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड।